विगत 29 जनवरी 2023 से विद्यालय में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आज दिनांक 31 जनवरी 2023 को अंतिम चरण का आयोजन किया गया, जिसमें छोटे बच्चों के लिए जलेबी रेस, रिंग रेस, कुर्सी एवं रिंग रेस का आयोजन किया गया। वहीं अन्य बच्चों के लिए 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर रेस बालक एवं बालिका वर्ग के लिए किया गया। 400 मीटर का रेस सीनियर बालक तथा 400 मीटर रिले दौड़ का आयोजन बालक एवं बालिका वर्ग, शॉटपुट, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल जैसे प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय के अध्यक्ष इंजीनियर श्री रवि चौधरी ने मशाल जुलूस के साथ किया तथा अपने उद्बोधन में बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि विद्यालय में न सिर्फ बच्चों को उच्चतम श्रेणी की शिक्षा दी जा रही है, बल्कि इनके सर्वांगीण विकास के लिए भी वचनबद्ध है और इसी के तहत विद्यालय में घुड़सवारी की भी व्यवस्था की जा चुकी है। प्राचार्य ने अपने वक्तव्य में कहा कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है और बच्चों के विकास में खेलकूद की अहम भूमिका होती है। आज बच्चे पूर्णतः घरों में अंदर वीडियो गेम, टीवी या फिर मोबाइल पर लगे रहते हैं। इस आयोजन के द्वारा हमारा यही प्रयास है कि बच्चे मिट्टी के साथ खुली हवा में थोड़ी देर ही सही, लेकिन अपना समय व्यतीत करें, जो उनके शरीर एवं मानसिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपप्राचार्य गोपाल शरण ने बच्चों को बधाई देते हुए कहा कि खेलना आवश्यक है। जीत या हार तो सिक्के के दो पहलू हैं। खेल का संयोजन विद्यालय के शारीरिक शिक्षक प्रवीण कुमार दास के नेतृत्व में किया गया, जिनका साथ अमित कुमार ओझा, गौरव कुमार, सिलाची अविनाश कुमार, कौशल, आयुष स्वाति, कृष्णा कुमारी, मंच का संचालन देवाशीष जाना ने किया एवं हाउस मास्टर ज्योति, पिंकी, जेएस ओझा एवं मनोज के साथ धीरज हरिकांत, खुशबू कोमल, मुकेश रविशंकर, सतीश ऑफ आसिफ ने दिया। समाचार लिखे जाने तक ब्लू हाउस बढ़त बनाए हुए था। कार्यक्रम में सभी शिक्षकों के साथ सभी शिक्षित कर्मचारी की उपस्थिति रही। पूरे वर्ष का एक बच्चों के मन में ख्वाहिश होती है और वो उनके मन में हमेशा होता है कि एक एनुअल डे में हमारा स्कूल जो है एक फंक्शन के लिए तैयार होता है। और पूरे वर्ष का जो भी निचोड़ है आज के दिन में है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हमारा जो भी कैरेक्टर बिल्डअप है, उसमें कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को आज वो प्रदर्शित करने का मौका देते हैं। तो बच्चे हमारे खुश होते हैं, उन्हें लगता है कि हमारा स्कूल का भी शुरुआत में दौड़ रहा है, तो वो सब कार्यक्रम वो देखना चाहते हैं, वो समझना चाहते हैं। और पढ़ाई का तो एक अलग महत्व है, लेकिन ये जो हमारा जो है सांस्कृतिक कल्चर जो है, उससे जो उनके बीच में जो भावना जागृत होती है, तो मुझे लगता है कि यह शुरुआत है। बच्चों की भावनाओं को हमने जागृत कर दिया है और इस सुदूर प्रदेश में जो हम लोग बोलते हैं नालंदा के इस गांव में हमने शिक्षा का जो अलग जगाने की जो कोशिश की है, उसका एक ही महत्व है, इन छोटे छोटे बच्चों को अगर हम रेयर करेंगे, उन्हें हम ग्रो करेंगे, तो हमारा जो यूनिवर्सिटी है वो अपने आप भर जाएगा, वो अपने आप जो उस मुकाम तक पहुँच जाएगा। तो इसी भावनाओं को हमने इन बच्चों से शुरुआत कराया है और मुझे पूरी भरोसा है यूनिवर्सिटी भी एक दिन जो है इस तरीके से एनुअल स्पोर्ट्स और सारे एक्टिविटीज़ को जो है डेवलप करेंगे। जैसा कि के पब्लिक स्कूल कमिटेड है बच्चों को हेलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए और इसी डेवलपमेंट के अंतर्गत खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, वार्षिक खेलकूद। हम बचपन से सुनते आए हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है और इसी के तहत हम बच्चों को, क्योंकि आज डिजिटल युग आ चुका है, बच्चे ज़्यादातर मोबाइल, वीडियो गेम, टीवी, इन सब चीज़ों में है, तो एक बच्चों को थोड़ा सा एनर्जेटिक मूड में लाने के लिए ये ग्राउंड लेवल पे उनको ग्राउंड मिलाया गया, मिट्टी के साथ जुड़ के कैसे खेला जाता है ये खेलकूद का आयोजन किया गया, जिसमें सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा किया। ओवरऑल विनर मुझे लगता है अभी तक नहीं हम डिसाइड कर पाए हैं, विल लेट यू नो बाय टुमारो। गेम इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, विनिंग और डिफीटिंग इज द अनदर थिंग, बट जो हमारा जो मेन भावना है कि बच्चे थोड़ा कैमरा से, डिस्टेंस से, मोबाइल से बाहर निकले और खेल कूद करके अपने शारीरिक विकास के प्रति भी जागरूक।